कुछ बोलो महाराज, कुछ हरी कथा क्या आपकी इच्छा है? 2018 के आशीर्वाद
the meaning. We are not even able to give up our upper attachments, the urges of mind, the urges of senses. We can't even digest water. How we can even digest tea? Therefore, Guruji said, I am taking the example of the doctor giving tea to the Hari Seva Vidya Prabhu. In the same way, Guruji gave very high topic to us, even though we are not able to digest this, that it is making our adhikar, our qualification, more and more and more and more strong, so that later it will be very easy for us to digest everything. This was the mood of Srila Gurudev. So he was always keeping this Guruji apne hriday mein wo bhav bade strongly rakha aur tumne vishwa mein uska prachar kiya. जो भाव हमारे समस्त आचार्य देना चाहते थे, परंतु उनका सारा जीवन दूसरे दूसरे कामों में निकल गया. मतलब उन्होंने तो दिया, लेकिन उनके पास बहुत बड़े बड़े एक ऐसे चैलेंज आए कि मायावाद को खंडन करना था, ग्रंथों पे काम करना था. लेकिन गुरु जी ने एक बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त करके हमारे उन समस्त गुरु वर्गों के प्रभुपाद जी और उनके समस्त शिष्यों के मनोभीष्ट को सारे जगत में स्थापित किया. राधा जी की हम एक दिन चरणों की दासी बन जाएंगे, ये भाव गुरु जी ने हम सबको प्रदान किया. ये एक बहुत बड़ा वैशिष्ट है श्री गुरुदेव का. हम सभी पर इतना उपकार हुआ. मुझे पास कि तुम महाराज जी जानते हैं, पहले जो ब्रह्मचारी थे, हम भी अपने गुरु महाराज जी के मत से आए. पूज्य पाठ श्रीधर महाराज जी भी आए, धन महाराज जी भी श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के और से आए. गुरु जी ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि तुम किनके गुरु हो और किनके शिष्य हो, तुम्हारे गुरु जी कौन है. कभी ये भेदभाव नहीं किया. इसलिए गुरु जी का नाम जैसे नारायण है, नारायण मतलब जो सबको आश्रय देने वाले, बिना भेदभाव के और सबको एक साथ गुरु जी ने एक ही शिष्य प्रदान की. कभी भेदभाव नहीं किया कि मेरा शिष्य और तुम्हारा शिष्य और कौन से मठ का शिष्य. गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज जी के शिष्य भी गुरु जी के पास आए, लेकिन गुरु जी ने एक साथ सबको वही भाव दिया जो श्री गुरु गोविंद महाराज जी भी दिया करते थे अपनी कथा में. तो इसलिए हम सभी लोग गुरु जी के बहुत आभारी है और उनका ऋण हम कभी भी चुका नहीं सकते. हाँ, लेकिन उनका ऋण अवश्य हमको चुकाना है. कैसे चुकाना है? गुरु जी की वाणी को सब जगह प्रचार करके चुकाना है. जैसे अभी विजय प्रभु सेमिनार करते हैं और कितने सारे भक्त लोग को उन्होंने एक एक पुष्प की भांति, एक फूल की भांति सबको इकट्ठा करके किसको अर्पण कर दिया. क्या मैंने अपनी जेब में रखा? विजय ने अपनी जेब में नहीं रखा. मुझे कहा मन महाराज को अर्पण कर दिया, शिव महाराज जी को अर्पण कर दिया, मारा महाराज जी को अर्पण कर दिया. इसी प्रकार से ऐसे ही गुरुवर्गों की सेवा करने से हम गुरुदेव के ऋण को चुका पाएंगे, नहीं तो कभी भी चुका नहीं पाएंगे. इसका मतलब गुरु जी सदैव एक बार बोलते थे, एवरी वन हैज टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व द मिशन ऑफ महाप्रभु. गुरु जी बोलते थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सेवा नहीं करता उसका जीवन पशु की तरह है. क्योंकि एनिमल्स हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो देयरफॉर एवरी सिंगल पर्सन हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट कैन बी इवन फीलिंग. जीव गोस्वामी टू ही ऑर्डर हिज डिसाइपल श्यामानंद प्रभु टू स्वीप द स्ट्रीट्स ऑफ वृंदावन धाम. इज दिस इज द सर्विस? यस, बट आफ्टर स्वीपिंग द स्ट्रीट्स ऑफ वृंदावन धाम श्यामानंद प्रभु ही गॉट द दर्शन ऑफ राधा रानी. इसलिए हम सबको एक ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेनी है. सफाई करना, कुकिंग करना, मार्केटिंग करना, प्रचार करना, और सबको जैसे विजय प्रभु हरि कथा बोलते हैं, सबको ट्रेनिंग होना चाहिए नवी हरि कथा बोले, जिससे कि हम सब जगह अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, उनको भी कथा सुनाकर उनको भगवान की भक्ति में ले आए. इससे बढ़कर उपकार हम और किसी का नहीं कर सकते. तो इसलिए गुरु जी की सेवा विजय प्रभु के परिवार में, विशेष करके मैया ने, शशिकला, रसप्रिया, श्यामा दीदी
इन सब ने बहुत प्रकार से गुरुदेव की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। हम तो बहुत पुराना जान रहे हैं इनके परिवार को। गुरु जी उनके घर में आकर रहते थे और इतना भी नहीं है, जो भी इनके पास कोई भी सेविंग थी सारी की सारी सेविंग गुरु जी के को अर्पण कर दी। गोवर्धन मठ में, नवदीप मठ में, जहां जहां गुरु जी ने अपने अपने सेंटर खोले, इन्होंने बिना कुछ विचार किए कि भविष्य में हम कैसे रहेंगे, हमारे पास कुछ सेविंग होनी चाहिए, कोई विचार नहीं किया, सब कुछ गुरुदेव को सरेंडर कर दिया। ऐसे ही सरेंडरनेस और शरणागति हम सबको सीखनी चाहिए। भविष्य की चिंता मत करो, गुरु जी को समर्पण कर दो। मैं जब अपने घर से आया था, मैं जब अपने घर छोड़कर आ गया तो मेरे माता पिता मुझको वापस लेने आए वृंदावन। चलो चलो बेटा घर चलो, क्या हो गया, ऐसे क्यों आ गए? तो मैंने बताया अब मैं सारा जीवन वृंदावन में रहूंगा, मैं अब घर नहीं लौट के जाऊंगा। तो बहुत उन्होंने बोला, माता पिता को भी समझाया, देखो इसकी इच्छा याद रहने की है, आप इसको तंग मत करो, मैं तुम्हें कहीं और चला जाएगा। तो जाते जाते माता पिता ने मेरे हाथ में कितना पता नहीं 10-15 हजार रुपया मेरे को दे दिया। अच्छा ठीक है, अच्छे से रहना, खाना पीना, तो पैसा देकर चले गए। लेकिन अभी हमारी उस समय रिक्शा नहीं हुई थी, लेकिन हम गुरुदेव को जानते थे, हमारी रिक्शा नहीं हुई थी। और अगले दिन ही माधव प्रभु और मैं, हम दोनों मथुरा में गए और गुरु जी को जाकर वो जो पैसा माता पिता ने दिया था सारा का सारा पैसा उनको दे दिया। जबकि उस समय हमारे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। हम लोग इस कौन में जहाँ पर लोग बाहर भिखारी बैठकर खिचड़ी खाते हैं, ऐसे हम लोग सुबह और शाम दो टाइम खिचड़ी खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। क्योंकि वो पैसा माता पिता ने दिया था और इन घर से ये सोचकर आए थे कि अब घर छोड़ दिया, अब गुरुदेव को भगवान को समर्पित कर दिया। तो वो पैसा गुरु जी के हाथ में दिया था, श्री भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी, अभी हमारी कभी हमारी दीक्षा भी नहीं हुई थी अभी। तो हमने वो पैसा जब महाराज जी को दिया, महाराज जी बोले, गुरुदेव बोले, इतना पैसा कहां से लिया? तो महाराज गुरु ने बोला, ये जो लड़का है ना मेरा नाम लेकर, जो हमारा पुराना नाम था, वो बताऊंगा नहीं किसी को। तो बोले, ये जो पैसा है ये इसके पिताजी ने इसको दिया, लेकिन ये रखना नहीं चाहता, आपको देना चाहता है। गुरु जी इतना प्रसन्न हुए कि यदि छोटे छोटे बालक है, शास्त्र जानते नहीं, कुछ जानते नहीं, लेकिन इतना समर्पण कि इनको रहने का स्थान नहीं, खाने का स्थान नहीं, तो गुरु जी बोले हमारे पास चले आओ। तो हम बोले गुरुदेव आएंगे आएंगे, कभी आएंगे कभी आएंगे, ऐसा बोलकर हम बस चले गए। लेकिन वो सब कुछ गुरु जी के हाथ में अर्पण कर दिया। तो वो सब अर्पण करने के बाद क्या कोई जीवन में कोई अभाव हुआ? कभी अभाव नहीं हुआ। कहा वो सड़क पर भिखारी की तरह बैठकर हम लोग खिचड़ी खाते थे और कभी कभी वो हमको इस्कॉन के जो कर्मचारी लोग डांटते थे, रोज रोज खाने आ जाते हो काम से, रोज रोज खाने के लिए भी हम खाते यहाँ पर, ऐसा बहुत हमको दुखकारा उन लोगों ने। लेकिन भगवान पे विश्वास था कि जिसके कारण हम वृंदावन आए, भगवान के हमको देखेगा नहीं। तो इसलिए देखो, वो समर्पण गुरुदेव के हाथ में करने से कभी अभाव नहीं हुआ। गुरु महाराज मिले जीवन में, उनसे दीक्षा प्राप्त हुई, ऐसे गुरुदेव भक्ति प्रदान नारायण गोस्वामी महाराज सारे विश्व में हम लोग कहीं किसी भी स्थान पर चले जाते हैं, सब लोग स्वागत करते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, नॉट ग्लोरिफाइंग माई सेल्फ, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि जब गुरु और वैष्णव को समर्पित हुआ जाता है तो भगवान उसको एक्नॉलेज करते हैं, कभी जीवन में अभाव नहीं होता। इसका साक्षात उदाहरण गंगा और ये विजय प्रभु का परिवार साक्षात उदाहरण। इन्होंने अपनी जेब में कुछ नहीं रखा, जो कुछ था गुरुदेव को दे दिया था उनके प्रोजेक्ट पूरा करने में। क्या उनको आज तक कोई अभाव हुआ? नहीं अभाव हुआ, कभी कोई अभाव नहीं और ना कभी होगा। ये गुरुदेव का एक वरदान है, एक आशीर्वाद है। इसके मैं ज्यादा समय नहीं होगा, मुझे बात महाराज जी वहां पर है, मेरे को शर्म आ रही है उनके सामने, मैं भूल रहा हूँ सब। तो मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबको मैं हृदय से
सब लोग हरि गुरु वैष्णव की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाओ, सार्थक बनाओ। बस 2 मिनट आप लोगों को देखना था, क्योंकि हर साल मैं यही कहता हूँ, इसलिए मैंने फोन किया। हरि नहीं नहीं अच्छा अभी आपका हर साल आप यहाँ रहते थे ना? जी गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज की, पिताई गौर ब्रह्मानंद। हाँ, कल हम लोग गुरु जी की बहुत सारी कथा सुन रहे थे, और महाराज जी अभी उन्होंने बहुत सारी बात भी याद करवा दिया। इसलिए हम हर साल बोलते थे, हमारे जो गुरु जी भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, जब उन्होंने जन्म ग्रहण किया उनका नाम भी था नारायण, लेकिन जब श्री गुरु जी को पास में आए फिर इनका नाम भी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इनका नाम भी रखा गौर नारायण इनका नाम। लेकिन जब फिर वो सन्यासी ग्रहण किया फिर उनको गुरुदेव ने इनका नाम श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, फिर उनको नाम नारायण नारायण। इसलिए 3 बार भी इनका नाम नारायण नारायण और नारायण नाम दिया है। बल्कि इनका नाम नारायण नारायण नाम क्यों दिए है? कहते नारायण का बहुत सारे अर्थ है, कहते नारायण का ये बहुत सारे अर्थ है। एक अर्थ है नारायण का मतलब, मतलब नर मतलब होता है जितने ह्यूमन बीइंग जितने जीव है, और आयन मतलब होता है आश्रय। भगवान का नाम नारायण क्यों है? बोले जो सारे जीवों का जो आश्रय है सी ये नारायण है। इसलिए हमारे महाराज जी जैसे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, इन्होंने भी सचमुच से इनकी शरण में जो जो आए इनकी शरण में गुरुजी सबको अपना चरण में आश्रय दिया। इसलिए सारे विश्व ब्रह्मांड जितने जितने दूसरे दूसरे महाराज की जितने जितने शिष्य लोग थे सबको गुरुदेव ने सबको अपना चरण में उन्होंने आश्रय दिया है। इसलिए इनका नाम श्री नारायण नाम पड़ा। अभी महाराज जी बता रहे थे ना, जैसे नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, यदि ये तीनों ने श्री जीव गोस्वामी को पास में आए, कहते गुरुदेव को हम लोग श्री जीव गोस्वामी का भी उदाहरण देते हैं। ये जब जीव गोस्वामी को पास में आए ये तीनों, कोई भी जीव गोस्वामी का ये तीनों कोई भी शिष्य नहीं थे, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, लेकिन जीव गोस्वामी ने सबको उन्होंने अपना चरण में आश्रय दिया, और आश्रय दे करके उनको उपयुक्त उन्होंने शिक्षा प्रदान की और उनको 3 दिशाओं में भेजा। कहते श्री श्यामानंद प्रभु को उन्होंने बंगाल में भेजा, कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर को मणिपुर में, कहते श्री नरोत्तम श्यामानंद, कहते श्री श्रीनिवास आचार्य श्री बंगाल, और श्री श्यामानंद प्रभु श्री उड़ीसा। कहते ये तीनों शिष्यों को उन्होंने 3 दिशाओं में भेजा, और उन्होंने 3 दिशाओं में जाकर के सर्वत्र उन्होंने हरि कीर्तन को प्रचार किया। उसी तरह गुरुदेव भी, इन्होंने भी, उन्होंने तो 3 दिशाओं में 3 शिष्यों को भेजा, लेकिन हमारे जो गुरुदेव है उन्होंने सबका शिष्यों का आश्रय दिया है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के शिष्य, श्रील गौर गोविंद महाराज के शिष्य, भक्ति प्रमोद गुरु गोस्वामी महाराज के शिष्य, और मेरे गुरुदेव, सबको गुरुदेव ने आश्रय दिया, और गुरुदेव ने सबको ऐसे शिक्षा दिया। इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आच्छिद्यत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरणा, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी था। एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण विश्व में हरे कृष्ण जो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोले हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये महाप्रभु का भविष्य पाठ था और हमारे गुरुदेव ने भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज इन्होंने ये वाणी को संपूर्ण रूप में उन्होंने सार्थकता की और संपूर्ण दुनिया में उन्होंने हरि भक्ति को प्रचार किया और उसका एक टहनिया बंगाल से धीरे धीरे यहाँ तक भी आ गया और यहाँ तक भी आकर के हालांकि में आकर के हाँ यहाँ पर भी भक्तों को उन्होंने भक्ति रस में इनको भी सराबर कर दिया, इसलिए इनका नाम किया नारा नारा याना। ये एक अर्थ है नारायण का। दूसरा अर्थ होता है नर मतलब होता है रस और अयन मतलब होता है सारे रसों का जो आश्रय है। अभी महाराज जी बता रहे थे ना गुरुदेव विशेष करके उनने ब्रज भाग भाव को प्रदान किया है। श्रीमन महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के वो ब्रज भक्ति को प्रदान करते हैं। हर अवतार में महाप्रभु हर अवतार में भगवान ये ब्रज भक्ति नहीं देते, वैद्य भक्ति प्रदान करते, नारायण की भक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के राधा रानी की निकुंज सेवा को प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे जो गुरुदेव विशेष करके उन्होंने हरि कथा कहीं भी शुरू करेंगे, जब हरि कथा शुरू करेंगे बोले जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यहीं से शुरू करेंगे। जीव का जो स्वरूप है भगवान की नित्य दास है, लेकिन धीरे 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 जब वो समाप्त करेंगे वो ब्रज भक्ति में लास्ट में ब्रज भक्ति राधा रानी की दासी पद में जाकर के गुरुदेव वहीं पर समाप्त करते। तो गुरु जी की एक विशेष बात थी और नर मतलब होता है ज्ञान और अयन मतलब होता है सारे ज्ञान का जो भंडारा है सारे ज्ञान का। इसलिए जब हम श्री गुरुदेव के पास में हम जब आए इतने हरि कथा और गुरुदेव इतने कोई एक टपी को लेकर के पता नहीं कितने दिन तक तो गुरुजी एक टपी को लेकर डिस्कशन गुरुदेव करते थे। इसलिए गुरुदेव के पास में केवल कोई जो आ गए एक मन से ध्यान से केवल गुरुजी की कथा सुन लो और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, एक मन से गुरुजी की जो केवल कथा सुन लिया ना एकदम हीरे गुरुदेव उनके हीरे के टुकड़े बना दिए हैं, गुरुदेव उनके हीरे के टुकड़े बना दिए। गुरुदेव ने इतने ज्ञानी हो गए गुरुदेव के पास में जो जो आए हैं। हम लोग दूसरे दूसरे जगह पर जाते हैं लेकिन हमारे गुरु जी के जो शिष्य लोग अगर कहीं जाएंगे जब कोई कथा सुनाएंगे ना सबको पता चल जाता है ये जरूर नारायण महाराज का शिष्य होगा, नहीं तो इतने सुंदर हरि कथा कोई बोल ही नहीं सकते हैं, इतने सुंदर कथा कोई बोल ही नहीं सकते, जरूर ये श्री नारायण महाराज की कंडक्टर में जरूर ये व्यक्ति होगा तभी इतने सुंदर कोई हरि कथा बोल पा रहे। इसलिए गुरुदेव का जो उदाहरण है गुरुदेव का जो उदाहरण अद्भुत गुरुदेव का उदाहरण है, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जब श्री गुरु जी की शरण में आए और गुरु जी की भक्तों की शिष्यों की संस्पर्श में हम लोग आए हैं, समझो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं और आप लोग भी बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि गुरु जी की शिष्यों के संस्पर्श में आप लोग भी आए हो, इसलिए आप लोग भी बड़े भाग्यवान हैं। श्री गुरुपाद पद्म की श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। कल श्री भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज का जन्मदिन था, विजय थोड़ी सी बोलेगा उसके बाद में मैं भी थोड़ी सी उनकी कथा सुना दूंगा, ठीक है। श्री भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज की श्री गुरुदेव की। ओम For the last day in this year, 2018, to have Sadhu Sangha. That is a very
good choice you make all, because I know this day many people are gathering with family members and family occupations, but somehow or another you decided to come here, although maybe other persons and family members were waiting for you. So Guruji and our Guru Parampara is watching everything, and the offers that we are making, the choices we are making, according to that, we are getting Ashirvad blessings. So I hope that our Guru Vargas will bless us on this day for 2018, the last day, what we cannot get back, what we have done in this year 2018, we cannot do anything to get something back or to change anything. That is the way of life, that is how Kaal is going on. The one thing what we know for sure is that the time what we are getting to live, to breathe, is getting shorter. There is one realization what every bhakta, every devotee has to have after 1 year. How many years do I have still to perform in this material world and to make choices and to do karma, or to do karma yoga, to bhakti yoga? All the choices we can make, and according to that, we can get auspiciousness. We can be very successful in this life, and make very much progress to achieve perfection. So that is what I'm also wishing for me, for everyone, that 2019 will be a very good year. We have ended it very nicely, and tomorrow we will have a very nice program for the first day of the year. So the blessing is there. The most important what we can do is appreciate every contribution that our Guru Parampara had did for us. We are emphasizing this Acharya Leela now in a couple of months, and we are emphasizing this because it is the most important Katha Leela to hear. Because from there, every mercy can flow. We are opening the door by entering in the life of the Acharyas. When we do not enter the life of the Acharyas and try to understand their contribution, then the mercy of Radha Krishna cannot flow to us. You see? So that's why we have to surrender. Surrender to our Guru Vargas and try to ask them, especially in the appearance day, this appearance day of certain Acharya, we have to have this calendar. Because that day, this certain Acharya can bless us, because they are seeing who is actually offering Pushpanjali to their lotus feet on this day. Like if you are, your birthday is there and someone is coming to visit you, you appreciate it more. So in this day, you are more merciful. So yesterday we have heard many leelas of Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. But prior to Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, what we see, if you see the Guru Parampara, we see another Guru there. And that is Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, a very prominent Acharya in our life, who was very grave. His appearance, his way of dealing, by only seeing him, you could get purified by his behavior only. It was not a person with many words in his dealings. When he was sitting in his asana, you could see that he was a very big scholar. Why? Because when he took birth in 1916, he had taken birth in a Vaishnava family, where his uncle was one of the first prominent disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Nrisimha Maharaj. And his mother was also a disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, who was very strict, more strict than her husband. Sometimes, when her husband came and he took some bhog without offering, this mother was chastising her, because you cannot come inside anymore because you have committed sinful activities. You cannot come, go purify, go take bath in the Ganga and then come. Like that, she was very strict. But
The son was Manu Goswami Mahasantosh was his name. And he was also, you know, very attracted to this Gaudiya philosophy, and his mother was always was teaching this. But somehow or other, her mother didn't want that he would too much take the habit of his father, so she chose to bring Santosh to the mat where his uncle was living, under the guidance of Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. And his uncle, Nrisinga Maharaj, offered this personality to Pradyam Keshava Goswami Maharaj, what was actually in the future his real guru. And on the guidance of Pragyan Keshava Goswami Maharaj, as a young boy, Pragyan Keshava Goswami Maharaj was always teaching him different truths, slokas. He was remembering lots of slokas. Every time he took the slokas, he would get a chocolate, like that. And he was very fond of chocolate, so he was remembering lots of slokas. So in this way, he grew up. Also, how to serve Vaishnavas, how to serve prasad, how to offer them, how to clean everything. Very simple seva he did. But it was a big personality. A personality actually who was not like us. He came from the spiritual world. We are different jivas. We are Bada jivas. We are bonded jivas. We came from Mahavishnu, as you all remember from the seminar, how we actually Mahavishnu has manifested to us. But there are also jivas in the spiritual world, eternal nityasiddha jivas, who from their free will or instruction come in this material world to deliver all the fallen souls. And Bhaktivinoda Vaman Goswami Maharaj was one of these souls, like also Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj, actually all our acharyas, they are actually Shaktivesh avatars. You can see that, like, they are Shaktivesh, they are powered, Mahabhagavats, you know, they are manifestation. That's why we say, Shaksha Dharitena Samasta Shastra, that the personalities, the acharyas of Shakshat, they are the perfect representative of Bhagavan. They are actually the same, but not in tattva, but in their mood. And it is said that the Mahabhagavats has got one vishesh, and that is that they can deliver and give kripa. What actually Bhagwan is not doing, he's only speaking of this. But acharyas are giving. So Vaman Goswami Maharaj was very dear to Pragyan, Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, because of his qualities. And after the departure of Pragyan Keshava Goswami Maharaj, Bhaktivinoda Vaman Goswami Maharaj took the role of president of the Gaudiya Vedanta Samiti. And at that time, in 1946, Bhakti Vedanta Narayana Goswami came in the mat, and he was telling, reading this, and he was telling that when I came in this mat, I saw Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, how he was managing this mat. Everything he was doing book publishing, managing, cooking, everything what was done, he was doing it very expertly. And he was very fast, and he was very learned. His way of dealing and his slokas, he could remember so many slokas. When he would speak, he could, in one lecture, maybe he was reciting like 30, 40 slokas and explaining very rapidly, very fast, and very expertly. That's why Pragyan Keshava Goswami Maharaj was very fond of him. When he was going to preach abroad, he was taking him. And sometimes they would challenge, from where does it say that Mahaprabhu is Bhagwan? And then he would let Vaman Goswami stand up and tell them. And then he was reciting like 50 slokas everywhere, evidence giving and everything. He was just reciting. So very expertly, powerfully. So in this way, Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj was telling that every brahmachari what was coming in the mat, Vaman Goswami was giving them shelter, initiation. Diksha they would get from Bhaktivinoda Vaman Goswami Maharaj.
But afterwards, the siksha, the learning how to enter in this Gaudiya philosophy, he was giving the seva to Bhaktivinoda Narayan Goswami Maharaj. And in a loving way, they were very, you know, close with each other. These two acharyas was very close to them, and also Trivikrama Maharaj. There were three pillars of this Gaudiya Samiti, and they were very close, and the dealings was very sweet also. And you could see that he was telling, Bhaktivinoda Narayan Maharaj was telling, oh, Vaman Maharaj is giving birth, and I have to clean the stool of all my babies. I have to do all these things I have to do as a mother. Yes, he's the father, and I have to do the mother role for all this. Bhaktas, yeah? He's sending all these things to me. But in a lovingly way, he was doing this seva. So, like Sri Vijay. But you know, one point I want to make in this way, because there are many, many things to speak about all acharyas, especially also Bhagavad Goswami Maharaj, was also very great. He didn't speak too much. When he was in his room, he was very quiet, observed. So many, many things was going on, but he never... One thing what he was also remembered of is that although there were many things going fault, many people were maybe not misbehaving, but he never opened his mouth to correct one. He was always quiet. He was always observed in his bhajan. He was not disturbed by anything, you know. That was one of the qualities. And what I actually also try to, the siksha what we are getting from this three pillars, Bhaktivinoda Narayan Goswami Maharaj, Bhaktivinoda Vaman Goswami Maharaj, Bhaktivinoda Trivikrama Maharaj, is that our Guru Tattva is one. Sri Guru is one. We have to remember this. People are sometimes confused also, and I'm seeing this also in the nowadays, that sometimes people are taking initiation from like Bhaktivinoda Ban Maharaj. Yeah? And then later on, they're hearing from someone else, and they think, oh, I have not chosen the right guru. Maybe I had to take from Bhaktisiddhanta, Siddhanti Maharaj or Siddha Maharaj. They're getting confused. Maybe my attraction was more to him, but I took from him. I made the wrong choice. But be careful, because you are doing a very big aparat towards your own guru. Don't think ever like that. Because Sri Guru is one. Like yesterday Maharaj emphasized this. Diksha, Siksha, Guru are the same. Yes. So never try to make distinguish of, oh, that is a better guru or that is not a, or more attractive guru. Because every guru has got a vishesh, a mood. You see, all the guru vargas, then they have not the same behaviors. They have the same qualities. But the behavior, the mood, the way how they are preaching, the way dealings is different. The way Vaman Goswami Maharaj was dealing with his disciples was different than Bhaktivinoda Narayan Goswami Maharaj. Bhaktivinoda Narayan Goswami Maharaj was very affectionate, really like a father figure. But doesn't mean that Vaman Goswami was not affectionate. He was very affectionate, but he was observed. This is way we also see in our gurus who are coming here, that the mood of Sri Maharaj is different than the mood of Bhaktivinoda Siddhanti Maharaj, and the mood of Bhaktivinoda Ban Maharaj is also different. But it doesn't mean that the mercy what is flowing, the power and the kripa what is actually coming from their mouth is different. Don't make this distinct, because we are doing Guru Aparat. Because did you choose your father? Did we choose our father? We got our father. The same way also the spiritual father is actually, we are not choosing him. The father is accepting us. Guru Krishna Pashare by Bhakti Lata Vich. Somehow or another, a disciple and a guru comes together and the Diksha, the Mahamantra is given. From there you have to appreciate your Guru Deva and always carry him in your heart.
and there are many Siksha gurus. Like the example, our big example is our sadhus who got initiated by Vaman Goswami Maharaj, but their Siksha Gurudev is Bhaktivinoda Narayan Goswami Maharaj, where they learn everything actually. You see? But they don't make any distinction, oh, Bhaktivinoda Narayan Maharaj is better than Vaman Goswami because he is so much more affectionate. No, that is childish. That is not a mature thinking. When we come in this path of bhakti, we have to appreciate our whole Guru Mantra. And we have to see which Guru can give me what. Which, you know, what can I learn from my Guru Dev? What can I learn from my Siksha Guru Dev? You see? That's why from these dealings and learning about Acharyas, we are learning that we cannot make any distinguish. It's very bad thing to do actually on our part. So always be appreciate the mercy what is flowing, the arrangement what Krishna is making, sending our Diksha Guru or Shiksha Guru, and always try to be very respectful to each other. And also in the disciples, like, oh, we are from Bhaktivedanta Srila Maharaj disciple, or they are from Ban Maharaj, they are from Siddhanti Maharaj. Don't do that. You are making aparad. Because there is I'm always telling, there is not difference between. Because every disciple is offered to Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. All the disciples, what is coming to Siddhanta Maharaj, what he's doing? He's offering to his Gurudev. Is going straight ahead to our Guru Parampara. So why are we making groups? Not do that. Never do that. Try to appreciate it. Try to see us, like I told you before, like a family, spiritual family. We are all on a journey in the same ship. Try to get to the border of the lotus feet of Radha and Krishna. We are on the same ship. And this is not why we in the same ship we have to distinguish. No, we are sailing together in one ship. And also, that is the mood of our Guru Parampara. We have to learn, we have to enter in their life and see what kind of mood, what kind of respect, what kind of dealings they have. And Vaman Goswami Maharaj, Bhaktivinoda Vaman, was a very perfect example of that. How he was correct to everyone. How he was very affectionate. He was giving affection to everyone. He was expert in art. Many followers he got. He was a very big preacher. Many, many disciples he got. So many disciples. And today, yesterday, also his glory is spreading all over the world. And I want to hear also from Bhaktivinoda Srila Maharaj something about, because it is his Diksha Gurudev, his experience with him. It would be very nice to purify us. जय माधव माता नमुरारी जय माधव मदन Hari.
भक्त घर में जन्म लेना बड़ा भाग्य की बात है। हम लोग कितने बड़े होने का बाद हम वैष्णव लोग से मिले और भक्ति जगत में आए, लेकिन जो बच्चा भक्त घर में जन्म लेता है बड़ा भाग्यवान होता है, बड़ा भाग्यवान। जैसे नाम क्या है, राग लेखा दीदी, उसका बेटे को देखो, ये बड़े भाग्यवान है। क्योंकि देखो अगर किसी भक्त को पेट में जब बच्चा आता है, क्यों वामन गोस्वामी महाराज का जो मैया थी वो थी प्रभुपाद का आश्रित है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का आश्रित है। जब कोई बच्चा मैया के पेट में आता है देखो कितने वो बच्चा सौभाग्यवान। माँ जब तुलसी परिक्रमा करती है, नहीं तो मंदिर की परिक्रमा करती है, उसको पेट में बच्चा होता है उसको भी मंदिर परिक्रमा हो जाता है, वो भी तुलसी परिक्रमा कर लेता है। मैया जब बैठ कर कथा सुनती है वो पेट में बच्चा होता है, वो भी पेट में बैठ बैठ कर वो भी कथा सुनता है। मैया जब ठाकुर जी को प्रणाम करती है उसको पेट में बच्चा है, वो भी क्या करता है, वो भी ठाकुर जी को प्रणाम, उसको भी ठाकुर, वो भी ठाकुर को प्रणाम कर लेता है। हैं वो जो प्रसाद खाती है अब पेट में बच्चा है वो भी प्रसाद पा रहे है पेट में। हैं वो जब कथा सुनती है वो भी कथा सुनती है। इसलिए भक्त घर में जन्म लेना है ना बड़े भाग्यवान से किसी व्यक्ति को भक्त गर्भ में जन्म लेता है, करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य से। इसलिए इसलिए वामन गोस्वामी महाराज वो जन्म से ही, जन्म से पहले मैया के पेट से जब आए तब से ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तब से भगवान की कथा सुन रहे हैं। ऐसे ही महापुरुष है और उन्होंने शिष्य किसके हैं, हरिनाम किससे ग्रहण किया, बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से। कहते प्रभुपाद कौन है, बोले राधा रानी की नयन मणि मंजरी। राधा रानी की नयन मतलब आंख है, मणि मतलब उसका अंदर में जो पुतला है वो राधा रानी की कृपा है, वो राधा रानी की कृपा प्रभुपाद है। हैं इसलिए जब प्रभुपाद बड़ी दुखी हो गए थे, बोले क्यों, कारण है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास महाराज इनके ऊपर में बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तुम दुनिया में भगवत वाणी को प्रचार करना, मठ मंदिर स्थापन करना, पंचांग प्रकाशित करना। प्रभुपाद सोच रहे थे मैं इतने काम कैसे करूं, मेरे पास में पैसा नहीं, मेरे पास में कोई लोग नहीं। एक दिन उन्होंने स्वप्न समाधि में देखा, मतलब एक दिन उन्होंने ड्रीम स्वप्न देखा, क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुई और श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभु के जितने भक्त लोग प्रकट हुए सब नृत्य कीर्तन कर रहे थे, हैं सबके सब हरि कीर्तन कर रहे थे प्रकटित हुए। बोले तुम कोई चिंता मत करो, तू सोच रहे हो तुम्हारे पास में पैसा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई चिंता मत करो, केवल तुम प्रचार करना शुरू कर दो, हम पीछे पीछे सब लोगों को भेज रहे हैं, सारे पैसा हम भेज रहे हैं, कोई चिंता मत करो। इसलिए श्री प्रभुपाद के पास में जो जो आए, ये कौन है, ये महाप्रभु को द्वारा भेजा हुआ सबके सब महापुरुष, भगवान को द्वारा भेजा हुआ। उसी तरह श्री वामन गोस्वामी महाराज भी किसको द्वारा भेजा हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु का द्वारा भेजा हुआ एक ये महापुरुष थे। हैं इसलिए इन्होंने जब मंदिर में आए उन जीवों को शिक्षा देते हैं। हाँ एक चीज हम उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, बोले क्या शिक्षा उनसे लेनी चाहिए, कहते अगर जीवन में कोई भक्ति पाना चाहते हैं सबसे पहले सेवा करो, सबसे पहले क्या करो, सेवा करो, क्योंकि सेवा के बगैर मेवा नहीं मिलता है। भगवान खुद कहते हैं बोले वत्स्य कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्पत्नि सत्पतिव्रता। जैसे एक पतिव्रता नारी स्त्री पति की सेवा करते 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 पति को इतने वशीभूत कर लेती हैं, पैसा पति दिन भर कमाएगा, काम करेगा सारा पैसा कमाएगा, लेकिन सारी इरो ला कर किसको देगा, अपना बीवी को देगा, सारे पैसा अपना पत्नी को दे देगा। है तुम घर चलाओ, घर को तुम देखो, इधर क्या करते हैं हमें तो पता नहीं, लेकिन इसलिए सारे पैसा किसको ला करके, अपना पत्नी को सारे पैसा दे देगा। बोले क्यों, बोले पत्नी सेवा करती है पति को, इतने वशीभूत कर देती है सेवा को द्वारा। इसलिए भगवान कहते भक्त मेरी सेवा करते 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 मेरे को
ऐसे भस्मीभूत कर देता है, उसका अंगुल के ऊपर मैं उठता हूँ और मैं बैठता हूँ। इसलिए भक्ति जगत में श्री वामन गोस्वामी महाराज पहले आकर के सारे साधुओं की सेवा की, मठ में जितने वैष्णव का सेवा किया। जब वैष्णव लोग प्रसाद पाने के लिए बैठते थे, उनके लिए आसन बिछाना, उनके लिए पहले केले का पत्ते में खाते थे। अब लोग सूरीनाम गए ना, केले के पत्ते में कभी खाए नहीं, खाए हो कभी। इसलिए केले के पत्ते में पहले खाते थे, प्लेट नहीं होता था, सब केले के पत्ते शुद्ध खाना है, सबके लिए रोज केले के पत्ते बिछाना, सब वैष्णव को परिवेषण करना, उसमें नमक देना, नींबू देना, मिर्च देना, है वैष्णव लोगों को खिलाना, उसको बाद में फिर वैष्णवों का स्थान परिष्कार करना, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर भी है, इसलिए जैसे यहाँ पर आप लोग आते हो, कोशिश करनी चाहिए हमसे जितने बन पड़े हम सेवा करें। सेवा लेना नहीं, क्या करनी चाहिए, सबको पहले खिलाएंगे, हैं? जब सबके सब प्रसाद पा लेंगे फिर जाकर के हम प्रसाद भोजन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सेवा करेंगे तो तभी तो आशीर्वाद मिलेगा ना, सेवा से आशीर्वाद मिलती है। इसलिए इन्होंने सारी वैष्णव की उन्होंने सेवा किए, सेवा करते करते वैष्णव की, और जो किसकी हम सेवा करते हैं हृदय से उनकी आशीर्वाद निकलता है। कोई कहते ना महाराज जी कृपा कर दो, महाराज जी कृपा कर दो, कृपा मतलब क्या, क्री मतलब करो, और पा मतलब पाओगे, क्री मतलब करो, पा मतलब पाओगे, करोगे तब तो पाओगे ना, बिना किए बगैर मिलेगा कैसे, इसलिए पहले करो फिर आपको प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने वैष्णव सेवा करते 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 इतने बड़े, जब भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज मंदिर में आए, इनका नाम था, पहले नाम था संतोष, गुरुदेव ने इनका नाम रखा सज्जन सेवक। सज्जन सेवक का मतलब क्या, बोले सज्जन मतलब होता है सज्जन, जितने वैष्णव लोग हैं, सेवक मतलब वैष्णव का जो सेवा करते हैं, बस सज्जन सेवक मतलब सेवकों में जो सबसे बढ़िया है, सेवकों में जो सबसे बढ़िया, इसलिए सज्जन सेवक इनका नाम दिया। और सचमुच से ये सज्जन सेवक थे। जब वो आए उसी समय में एक भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट था जिसमें ये पहले पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे, संस्कृत पढ़े, भैरनामृत व्याकरण पढ़े, और उन्होंने स्कूल में आकर के पहले पढ़े, क्योंकि एकदम 11 साल उम्र में आए थे, जब आए मंदिर में 11 साल इतने कम उम्र में मंदिर में आए, इसलिए मंदिर में पढ़ाई लिखाई मंदिर में करते थे। एक समय क्या हुआ, बोर्ड परीक्षा हुई, बोर्ड परीक्षा में ये जब स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, जितने समय केवल वो पढ़ते थे वो उतना समय केवल पढ़ते थे स्कूल में, लेकिन घर में आकर के ना मंदिर में आकर और कोई ग्रंथ नहीं देखते थे, कोई पुस्तक नहीं पढ़ते थे, तीन रात वैष्णव का सेवा करते थे। लेकिन वो इतने तीव्र बुद्धि नहीं थी, इतने तीक्ष्ण बुद्धि थी, हैं? इतने तीक्ष्ण बुद्धि थी, जब बोर्ड परीक्षा हुई पूरा बंगाल में, जब बोर्ड परीक्षा हुई उसमें लास्ट परीक्षा कॉलेज जाएगी, उसके बाद में बोर्ड परीक्षा में ये नंबर वन आए, फर्स्ट, सारे बच्चों में फर्स्ट आए। लेकिन उसका मार्कशीट आया प्रभुपाद के पास में, जब प्रभुपाद के पास में आया पूरी उसी इलाके में फर्स्ट आए, तो प्रभुपाद इनको बुलाया, बोले सज्जन सेवक इधर आ जाओ। तो प्रभुपाद हंसी दिल की करते हुए प्रभुपाद बोले देखो ये बोर्ड परीक्षा में तुमने फेल हो गया, लेकिन वो आए फर्स्ट इसमें सारे बच्चों में, लेकिन प्रभुपाद बोले तुम फेल हो गया इस पेपर में। लेकिन उनको इतने विश्वास था, तब वो कहते मैं गुरु वैष्णव का सेवा करता हूँ, और जो गुरु वैष्णव का सेवा करते हैं ना वो कभी फेल नहीं हो सकते, वो कभी फेल ही नहीं हो सकते, क्यों, मैं गुरु वैष्णव का सेवा करता हूँ, मैं गुरु वैष्णव का, हाँ, उनको इतने दृढ़ विश्वास था। तब प्रभुपाद ने कहा देख बेटा पूरा बंगाल में जो पेपर हुई ना उसमें सबसे फास्ट में से तुम आया, सबसे बढ़िया नंबर तुम्हारे है, फास्ट तुमने आई है। इसलिए इन्होंने प्रभुपाद की बड़ी प्रभुपाद की उन्होंने बड़ी प्रभुपाद उन्होंने सेवा की, और उन्होंने कभी उस गांव गांव में जा करके गांव गांव में जा करके बड़ी कष्ट सहन करते हुए उन्होंने प्रचार किया। और जैसे छोटे से छोटे घर में रहे
और बड़े से बड़े पैसा वाले घर में रहे, ऐसे नहीं प्रचार करने के लिए जाओ ना, बड़ा कष्ट भी भोगना पड़ता है। सब जगह पर पहले गांव गांव में प्रचार करने के लिए जाते थे, हैं गांव में साधारण लोग रहते हैं, अब लोग सुरिनाम में, अब तो वहां पर तो जो पहले पहले हुई भी उनका स्थिति अलग होगा, अब तो धीरे धीरे हर जगह पर बढ़िया बढ़िया घर बन रहा है, लेकिन पहले पहले गांव में जो होगी सुरिनाम से आप लोग आए होंगे, जो गांव में लोग होंगे साधारण झोपड़ी होता है, हैं साधारण सा झोपड़ी होता है, उसमें लोग रहते हैं, खेती करते हैं, गैया चराते हैं, बकरी होता है गांव में, इसलिए बाबू गोस्वामी महाराज ऐसे ही उन्होंने गांव गांव में जा जा कर के घर घर में जा कर उन्होंने प्रचार और प्रसार किया है। जब एक समय कोई एक व्यक्ति गुरुदेव को बुलाया, बोले गुरुदेव हमारे गांव में आओ प्रचार करने के लिए, लेकिन उनका घर था भूसा का घर, भूसा का तो साधारण झोपड़ी थी, उन्होंने देखा गुरु जी घर में आएंगे तो गुरु जी को इसी घर में हम कैसे रुकाएंगे, इसलिए उन्होंने उसी गांव में उन्होंने जिसकी बिल्डिंग था ना, घर में टॉयलेट है, पायखाना, बाथरूम जिनके घर में, उन्होंने उनकी घर में उनके रहने का व्यवस्था की। जब बामन गोस्वामी महाराज आए तो उनको शिष्य ने कहा गुरुदेव मेरे घर तो इतना बढ़िया है नहीं, इसलिए आपके लिए मैं दूसरे घर में रहने का व्यवस्था की। देखो कैसे बोलते थे, बोले तू मेरी बेटी है ना, बोले हाँ, बोले बेटी का जो घर है, जब गुरुदेव से कोई दीक्षा मंत्र लेते हैं और उनके बेटा और बेटी हो जाते हैं, उनको बेटा बेटी हो जाते हैं, जब बेटा बेटी हो जाते हैं तो मेरे बेटा बेटी हो, मैं तुम्हारी पिता हूँ, क्या पिताजी बेटा बेटी को पास में रह नहीं सकता है, कहते पिताजी क्या बेटा बेटी जहाँ रहेंगे पिता तो वही रहेगा ना, तुम मेरे बेटा बेटी है ना, इसलिए मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, उसको घर में नहीं जाऊंगा। कहते गुरुदेव उसी समय गाँव में पायखाना करने के लिए जंगल में जाओ, जंगल में जाओ पायखाना, तुम लोग तो पता नहीं कैसे श्रीनाम है, इसलिए जंगल में जाते हैं। बोले गुरुदेव आप कहाँ जाएंगे, बोले जरूरत नहीं, तुम्हारी जो पीछे जो बाग बगीचा है वहां पर टाट से घेर करके वहां पर टॉयलेट बना दो, वहीं पर मैं टॉयलेट जाऊंगा और तुम्हारे घर में रहूंगा। गुरुदेव किसी घर में गए नहीं, उनके घर में रहे, घर में रह करके और वहीं से उन्होंने हरि भक्ति को उन्होंने प्रचार किया, इसलिए उन्होंने साधारण से साधारण घर में रहे और उन्होंने भगवत भक्ति को उन्होंने सर्वत्र प्रचार और प्रसार उन्होंने सर्वत्र प्रचार प्रसार किया। उन्होंने केवल जीवों को बर में कृपा किया, इसने भूतों को उन्होंने उद्धार किया है, भूत समझते हो घोष्ट, उन्होंने घोष्टों को बर में कृपा किया है, जीवों को बर में कृपा की, घोष्ट उन्होंने शादी दिया है, उन्होंने भूतों को शादी दिया है, क्योंकि ये कभी कभी कच्चे ही जाया करते थे, पहले चल चल कर भी जाते थे और जंगल को पार होकर ही जाना पड़ता था। एक समय कचेरी में गए थे, आते समय बहुत रात हो गया, जब वो वापस आए देखा वो जंगल को बीच में बैंड पड़ी बजा बज रही है और शादी हो रही है, वो शादी भूतों का शादी था, वो भूत लोगों का शादी था। जब ये बामन गोस्वामी महाराज आए, ये यज्ञ करना, शादी देना, श्राद्ध क्रिया करना, हर काम में ये परफेक्ट थे, हा? हर काम में ये एक्सपर्ट थे। जब बामन गोस्वामी महाराज आ रहे थे वो एकदम जो भूत लोग है ना उनको पता नहीं चल रहा था ये घोष्ट भूत है, वो आकर के बोले बाबा बाबा हमारी बेटी की शादी हो रही है, आप थोड़ी सी आकर के हमारी बेटी की थोड़ा शादी करा दोगे। तो उन्होंने इनको लेकर उनको पता नहीं चला ये भूत है, इन्होंने गए और वहां वर कन्या था, वर कन्या थी, उन्होंने मंत्र पढ़ करके दोनों को शादी करवाया, शादी करा के उन्होंने बोले बाबा जाने के लिए कोई चिंता मत करो, उन्होंने घोड़ा गाड़ी बुलाया और ऑक्सीजन का जो फल है एक बड़ा टोकरी में उन्होंने ऑक्सीजन, उस समय कोई आम फाम का नहीं था, उसी समय का उन्होंने फल एक टोकरी में उसको पर रख दिया, बोले बाबा कोई चिंता मत करो अब चले जाना, ये आपको छोड़ करके आ जाएगी। वो रास्ता था आधा घंटा का रास्ता, लेकिन भूत का ये था ना 5 मिनट में पहुंचा दिया। तो उन्होंने बोले भैया ये कैसे हो गया, यहाँ तो आधा घंटा का रास्ता इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। अरे वो समझ गए भैया लगता है ये भूत है। अभी जिनको घर में वो गए, एक सार्वजनिक दीदी थी, एकदम रात को बीच में आई,
अरे तुम इतना रात में क्या कर रहा था, तू इतना रात कहाँ गया था, इतना रात क्यों हुआ? बोले मैं कल बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, किसको उन्होंने ये बात नहीं बताई। और जो फल था ना ऑक्सीजन का फल बरवा दिया रख करके, सवेर जब हुआ तब तो उन्होंने बोले मैं जब आ रहा था ये बीच में वहां पर कोई गांव है? बोले नहीं, वहां पर तो घना घोर जंगल है। बोले वहां पर कोई शादी हो रही थी, मेरे को कुछ लोग लेकर गए, मैंने शादी करवाया और मेरे को देखो ये टोकरी में ये फल ऑक्सीजन का इतना फल आधा घंटा का रास्ता मेरे को 5 मिनट में पहुंचा दिया, ये क्या है? तब बोले हाँ, बोले एक समय बरजात्री शादी होने के लिए जा रहे थे, पूरा पार्टी था, लेकिन उसी जंगल में जब जा रहे थे हठात बारिश हुई, बारिश में बिजली गिरी, थंडरबोल्ट गिरा है, थंडरबोल्ट बिजली गिरी, तो वो जितने पार्टी था वहीं पर शरीर छोड़ दिया, सब के सब मर गए। लेकिन उसमें दो पति पत्नी नई जो शादी होने के लिए था, लेकिन वो शादी नहीं हो पाया और सबके सब वहीं पर मर गए, सबके सब वहीं मर गए थे, अभी उनकी शादी नहीं हो पाई, इसलिए सबके सब मर गए, भूत हो गए थे। और ये भागवत गोस्वामी महाराज उन्होंने भूतों को उनमें शादी करवाई, हाँ ये भूतों के ऊपर में भी कृपा की बहुत बार, उन्होंने बहुत प्रेतों के ऊपर में उन्होंने कृपा की। वृंदावन में हमारा कोई एक ब्रह्मचारी था, वो कहीं अकेला रहता था, उसको कोई भूत पकड़ा, भूत पकड़ा तो उसको बड़ा कष्ट दिया, तो उन्होंने भूत को पूछा ये बताओ क्या तुम मुक्ति नहीं चाहते हो? बोले हाँ मैं तो मुक्ति चाहती हूँ। बोले बताओ बताओ मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? बोले तुम एक काम कर सकते हो, तेरे जो गुरु जी है भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज, उनकी अगर तुम चरणामृत मेरे को दे दोगे, वो चरणामृत पी करके मेरे को मुक्ति हो जाएगी। बोले गुरुदेव तो नहीं, अभी गुरुदेव तो बंगाल में, ये वृंदावन की कथा है, ये वृंदावन की, बोले गुरुदेव तो बंगाल में, यहाँ चरणामृत कहाँ से लाएंगे? फिर भूत बताया, बोले तुम्हारे मंदिर में एक बाबा जी महाराज है, 2 साल पहले तुम्हारे गुरु जी वृंदावन में आए थे और उन्होंने गुरु जी की चरण धो करके एक बोतल में, कांच की बोतल में खटिया को नीचे, अभी उनकी चरणामृत खटिया के नीचे रखा हुआ, वो भूत कह रहा है वो चरणामृत मेरे को ला करके, मेरे को जहां से तेरे साथ आया था वो कैसी घाट है वहीं पर लेकर रख लेना, वो चरणामृत पी करके मेरी मुक्ति हो जाएगी। वो ऐसे एक महापुरुष हुए, भूत भी है जिनकी चरणामृत पी करके, जो प्रेत है इनकी चरणामृत पीकर प्रेत का भी कल्याण हुई, ये ऐसे एक महापुरुष हुए। जगत में जीवों का तो कल्याण किया है और उसको साथ साथ में उन्होंने है उनको साथ साथ में प्रेत भूतों के ऊपर में भी उन्होंने बड़ी कृपा की प्रेत ऊपर में, इसलिए इनको गौड़ीय मठ का डिक्शनरी कहा करते थे, इतने तीव्र बुद्धि महाराज की था, इतने तीव्र बुद्धि थी, वो कहते थे अगर मैं श्लोक बोलना शुरू करे ना, अभी जय प्रभु आपको श्लोक याद कराते हैं, एक श्लोक याद करना कितना कठिन होता होगा, लेकिन वो बोलते थे अगर मैं श्लोक बोलूंगा ना 7 दिन तक, इतने श्लोक मेरे को याद है, 7 दिन तक मैं श्लोक बोलते रहूंगा लेकिन ये श्लोक खत्म नहीं होगा, इतना श्लोक पूरा का पूरा गीता श्लोक, भागवत का, वेद का, पुराण का। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब कथा करते थे अगर कहीं श्लोक भूल जाते थे ना, ये बामन गोस्वामी महाराज बोल देते थे, हैं ये श्लोक को बामन गोस्वामी महाराज अपना गुरुदेव को बोलते, गुरुदेव ये श्लोक है, पीछे ये श्लोक को बोलते थे। इसलिए एक समय ये प्रेस में इनका काम था, प्रेस में काम ग्रंथ छपवाना काम था, अब लोग अब तो देखे नहीं, पहले जो प्रेस था वो अलग टाइप का प्रेस था, लोहा होता था, ऐसे गिरता था पड़ता था ऐसे ऐसे, हाँ प्रेस में, हाँ बड़े लोग ये था, ये प्रेस में काम करते करते हठात इनका जो ये अंगुल है ना वो अंदर में चला गया, और इतने बड़ा लोहा होता है ना इसे पड़ता, अब देखेंगे पुराना जो प्रेस है इसके अंगुल चला गया और इसका अंगुल में गिरा तो एकदम अंगुल एकदम फट गया, एकदम खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तब श्री भक्ति प्रज्ञान उनका जो गुरुदेव थे भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज, जब उन्होंने सुना सज्जन सेवक का हैं इनकी हाथ प्रेस में चला गया और ये हाथ एकदम
ये हो गया, पीस गया ये हाथ अंगूर, खून खून से लथपथ हो रहा था। जब उनकी गुरुजी को पता चला तो गुरुजी आ करके उनको ऐसे गोद में ले लिया और गोद में लेकर रोना शुरू कर दिया है। इनको गोद में लेकर रोना शुरू कर दिया। उनके गुरुजी कहते थे ये मंदिर में और जितने सन्यासी ब्रह्मचारी है, अगर एक तराजू लिया जाए, तराजू के एक तरफ में मंदिर के जितने सेवक जितने सन्यासी इनकी सेवा को अगर तराजू का एक तरफ में धर दिया जाए और श्री सज्जन सेवक ब्राह्मण गोस्वामी महाराज इनकी सेवा को अगर तराजू का और एक तरफ में धर दिया जाए, अगर भोजन किया जाए ना, इनकी पल्ला भारी पड़ेगा। मतलब ये अकेले इतने सेवा करते थे इनकी सेवा को सामने सभी का सेवा मिलाने पर भी बराबर नहीं कर सकते। ऐसे इनकी सेवा प्रचेष्टा थी, ऐसे श्री गुरुदेव की ऐसे सेवा करते थे। और गुरुदेव हैं, गुरुदेव बोलते थे ये प्रेस का काम करते थे, हर समय प्रेस में काम, दिन भर ग्रंथ छपवाना, प्रेस करना, काटना, बहुत परिश्रम करते थे। पहले ये प्रचार में नहीं जाते थे, मंदिर में रह करके प्रेस का सेवा करते थे। एक दिन इनको गुरुदेव ने बोले जिंदगी भर यही काम करोगे, ग्रंथ छपवाओगे, प्रचार नहीं करोगे? दिन भर मठ में पढ़ा रहता है, बाहर नहीं जाता, दिन भर ग्रंथ को भी चल जाओ, प्रचार करने के लिए जाओ। एक दिन गुरुदेव बोले ना, बोले जाओ प्रचार करने के लिए जाओ। जब एक बार बोले, उन्होंने मठ से निकले तो पूरा निकले निकले तो पूरा निकले फिर तो सारा दुनिया में उन्होंने महाप्रभु का वाणी को है, महाप्रभु का वाणी को सारा दुनिया में उन्होंने प्रचार किया। हाँ देखो, ठाकुर जी ना एक समय इनके मंदिर में, नवदीप मंदिर में आप लोग गए होंगे, देखे होंगे। देखो ठाकुर जी को एक बार ठाकुर जी को भोग लगा। जब ठाकुर जी को भोग लगा, पहले जो आता था भिक्षा में वही भोग लगाया करते थे, जैसे दाल है कोई एक सब्जी बनता था, लेकिन दाल कैसे एकदम पतली पतली दाल है, पतली पतली दाल और सब्जी अपना बगीचा में जो होता था, पेड़ पौधा जो होता था सब्जी, उससे ही साधारण रूप में ठाकुर जी को भोग लगता था। ठाकुर जी इनको साथ में बात करते थे, ठाकुर जी है ना इनको साथ में बात करते थे, इनको साथ में ठाकुर जी इनको एक दिन स्वप्न दिया। बोले देखो तुमने देखा है मेरे को क्या भोग लग रहा है, और भिक्षा में जो चावल आता था है, अब लोग नवदीप परिक्रमा में गए ना, कौन कौन नवदीप परिक्रमा में गए हो, नवदीप परिक्रमा में कौन कौन गए हो, आप गए हो, और कौन गए, तुम गए हो, और कौन गए, आप भी गए हो नवदीप परिक्रमा में। इसलिए आप देखना वहां पर जो रसोई होता है ना, गांव से जो भिक्षा से आता है चावल, बहुत मोटा मोटा चावल होता है, गांव का जो चावल बहुत मोटा मोटा होता है, वही चावल ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनता था। और मोटे मोटे चावल और पतला पतला दाल और वहां पर सब्जी भोग लगता था। ठाकुर जी स्वप्न दिया, बोले देखो मेरे को क्या खाना खिलाते, तू देखता नहीं मैं क्या खाता नहीं खाता, मेरे को ठीक से भोग नहीं लगा रहा है, ठाकुर मेरे ठीक से खाना नहीं खिला। इनसे ठाकुर जी स्वप्न से बात करते थे। फिर उन्हें दूसरे दिन गए, देखा सचमुच से ठाकुर जी को तो साधारण से साधारण भोग लगता है। फिर उन्होंने बोले देखो ऐसे भोग नहीं, ठाकुर जी के लिए स्पेशल जो कुछ सभी के लिए बनता है उसको बनाओ, लेकिन ठाकुर जी के लिए स्पेशल भोग होनी चाहिए, चावल स्पेशल होनी चाहिए, दाल सब्जी भाजी है, जैसे आप लोग यहाँ बनाते ना टप्पू और सोया और क्या बनाते, यहाँ पर तरह तरह का प्रसाद बनाते हो भगवान के लिए, एकदम स्पेशल प्रसाद ठाकुर जी के लिए बननी चाहिए, ठाकुर जी के लिए, तभी से ठाकुर जी के लिए अलग व्यवस्था की। अगर कभी चावल बनाते बनाते कहीं जल गया, एक बार ठाकुर जी को बनाते बनाते तो चावल जल गया, और ठाकुर जी उन्होंने देखा दो बार फिर चावल बना पर भोग लगाओ, तो उन्होंने क्या किया, वो जो जला हुआ चावल है ना, बोले कौन दो बार चावल बनाते ऐसे भोग लगा दो, लेकिन ठाकुर जी उनको स्वप्न दिए, बोले मेरे को जला हुआ चावल खिला रहे तू देखता नहीं है, मेरे को चावल जल गया, जल गया वही चावल मेरे को। फिर उन्होंने गुरु जी ने तुमको आया तो बोला सेवक तुम इतने तारीख को ठाकुर को ऐसे जला हुआ चावल तुमने भोग लगाया था, बोले हाँ आपको कैसे पता, ठाकुर मेरे को बताए, कई ठाकुर जी को
जगन्नाथपुरी में छोटा गोपीनाथ है, ठाकुर जी को पूजा जो कपड़ा पहना है ना वो फटा हुआ कपड़ा पहना है, जो कपड़ा था वो फट गया था, पुराना हो गया था। इनको सपना आया तो देखो मेरे को जो कपड़ा पहनाया वो फटा हुआ कपड़ा पहनाया, तू देखता नहीं। फिर उन्होंने मार्केट में गए और उन्होंने ठाकुर जी के लिए नया कपड़ा खरीद किया। नया कपड़ा खरीद करके फिर वो मंदिर में गए, जा करके बोले ये कपड़ा लो ठाकुर को पहनाओ, जो पुराना कपड़ा हमें दो। सचमुच से देखा कपड़ा फटा हुआ है, मतलब ये ऐसे भक्त थे भगवान इनसे डायरेक्ट बात करते थे। हाँ कहीं ठाकुर को दर्शन करने के लिए गई पुराना जगह में, लेकिन ठाकुर जी के लिए कोई खटिया नहीं था, जैसे ठाकुर को सुलाते हैं ना पलंग ऊपर में कुछ था नहीं और कपड़ा भी ठीक नहीं था। जब वो वापस आ गए फिर ठाकुर स्वप्न दिए, जो तुम मेरे को देख कर गया मैं कहाँ पर सो रहा हूँ कैसे सो रहा हूँ, मेरे लिए कोई खटिया नहीं कोई कपड़ा नहीं, तुम मेरे लिए दे जा। फिर उन्होंने बना करके फिर वो मंदिर में देख करके आते हैं, मतलब इनसे ठाकुर जी डायरेक्ट बात करते थे ये महापुरुषों साथ में। इसलिए हिंदी में एक भजन है, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं बोले सबर के जैसे तुम खिलाते नहीं, सुने कि नहीं? कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं बोले सबर के जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। इसलिए भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे अगर हम भक्त बने ना, ठाकुर जी बोलेंगे चलेंगे खाएंगे सोएंगे, ठाकुर जी सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें पहले भक्त बनना पड़ेगा। हाँ हमें भक्त बनना पड़ेगा, इसलिए ये जो महापुरुष हैं भक्तिवेदांत श्रीला वामन गोस्वामी महाराज, इनकी अद्भुत अद्भुत इनकी चरित्र है, अद्भुत अद्भुत चरित्र है। ये दिन में 2-2 लाख हरिनाम करते थे, रोज रोज 2-2 लाख हरिनाम करते थे। हाँ और इनकी अद्भुत अद्भुत इनकी जीवनी है, अद्भुत अद्भुत इनकी जीवनी। हरिनाम का पर बहुत ज्यादा जोर देते थे, जब हरिनाम देते थे ना बोलते कम से कम 16 माला से स्टार्टिंग करना, कितने माला से? कम से कम 16 माला से स्टार्टिंग करना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो वो बोलते थे देखो 16 माला से पहले शुरू कर माला, तो कहते थे देखो तुम भगवान को प्रेम करते हो उसके प्रमाण क्या है? आप देखना आप जिसको प्रेम करोगे ना आप पूरा जीवन दे दोगे, आप जिसको इस जगत में प्रेम करोगे देखना उसको खुश के लिए क्या नहीं करते हम लोग, जीवन दे देते हैं खुश के लिए। वो कहते थे जो भगवान को तुम प्रेम करते हो प्रमाण क्या है? जब तुम भगवान के नाम करोगे, ठीक है ना? इसे सबके सब हरिनाम करना है, भक्ति करना। अभी मुझे बाजी उठना शुरू हो गया, हम सब लोग चलते बाहर चलते, ठीक है? तैयार कर देंगे, थोड़ा सा कीर्तन कर दो तब तैयार हो जाए तब। अरे इतने जोर से फटका फूट रहे हम भी देखेंगे। हाँ ठीक है तैयार कर, जल्दी तैयार कर। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा Thank you.
जी।